तो आज हम करेंगे स्क्वायर। ठीक आपको क्लास के बाद 100 तक स्क्वायर याद हो जाएंगे, ठीक है, और उससे ऊपर के स्क्वायर आप बना लो। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सारे स्क्वायर सीख लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 1 से 10 तक स्क्वायर में। अब हमें 1 से 1 का स्क्वायर लिखना है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है एक नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, इसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, इस तरह से इन्हें स्क्वायर कहते हैं। और आप इन्हें जापानीज मेथड से भी निकाल सकते हैं, 1 into 1, तो 1 1 जा 1, 1 कटिंग, 2 2 जा 4, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16, लाइक दिस। ओके, बाकी आप जो है बेस मेथड से भी निकाल सकते हो जब नंबर बड़े हो जाएंगे तब। जैसे 7 स्क्वायर 49, 7 7 बेस कितना है 10, 10 से 7 कितना कम है 3, और ये भी कितना कम है 3, 3 3 जा 9, 7 माइनस 3 4, आंसर आ गया 49। ऐसे ही 8 का स्क्वायर, 8 8, 2 2, 2 2 जा 4, 8 माइनस 2 6, आंसर आ गया 64। 9 स्क्वायर 9 9, 1 1 जा 1, 9 माइनस 8 8, आंसर आ गया 81। 10 स्क्वायर 100, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 11 से 20 तक, इसका ट्रिक समझते हैं। 11 से 20, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल 11 से 20 तक नंबर पे ही लगती है। जैसे आपको 11 का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस तरह से नंबर लिखोगे और एक बॉक्स बना लोगे, इस तरह से इन्हें ऐड कर दोगे, 11 प्लस 1 12, और आप पीछे एक जीरो लगा लेंगे। लगाने के बाद में यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर देना, 1 बन जा 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 121। 11 का स्क्वायर हो गया 121। 12 का स्क्वायर, फिर से समझो, एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे, ऐसा बॉक्स बना लेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे, 12 प्लस 2 14, एक जीरो अपने पास लगा लेंगे, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, और इन्हें ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 144। ठीक है, चलो अब आप बताओ 13 का क्या आएगा, ऐसे 13 का स्क्वायर क्या आएगा? ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, राइट आंसर भी सर, राइट आंसर। तो देखो 13 को ऐसे लिखेंगे, फिर एक बॉक्स बना लेंगे, 13 प्लस 3 16, फिर जीरो लगा लेंगे, 3 3 जा 9, और फिर इन्हें ऐड कर देंगे, 160 प्लस 9 169। ओके नेक्स्ट बताओ 14 का क्या है? ओके वेरी गुड सैशली, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर, राइट आंसर। देख 14 14 14 प्लस 4 18, जीरो लगा लिया, 4 4 जा 16, दोनों को ऐड कर दिया, 196। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट बताओ 15 का क्या है?
ओके वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड, राइट आंसर। ओके सर, एस पी राइट आंसर। 15 + 5 20 और 8 0 लगा लेंगे, 5 5 = 25, आंसर आ गया 225। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं 16 स्क्वायर। ओके वेरी गुड सर, एस पी वेरी गुड राइट आंसर। ओके विनीत सर, वेरी गुड राइट आंसर। देखो 16 स्क्वायर तो ऐसे लिख लोगे, 16 16 + 6 22 0 लगा लिए, 6 6 = 36, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 256। नेक्स्ट करते हैं 17 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड विनीत सर। ओके सर, एस बी राइट आंसर। 17 + 7 ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24, 0 लगा लेंगे, 7 7 = 49 और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 289। अब नेक्स्ट करते हैं 18 स्क्वायर। ओके वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। ओके सर, एस बी राइट आंसर। 18 + 8 तो जोड़ देंगे 260 260, 0 लगा लेंगे, 8 8 = 64 तो आंसर आ जाएगा 320। नेक्स्ट करते हैं 19 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड, 19 + 9 28, 0 लगा लिए, 9 9 = 81 तो इन्हें ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा 361 और 20 का तो 2 2 = 4 और 2 0 लगा दें। ओके वेरी गुड। चलो अब आप हेडिंग डालो स्क्वायर बिटवीन 51 to 16। देखो अगर आपको 51 का स्क्वायर लिखना हो तब क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 1 बन जा 1, सिंगल डिजिट आ गया 0 लगा लो, 2 डिजिट हो गए। उसके बाद में 5 5 = 21 और ये 1 ऐड कर दो, 25 + 1 = 26, आंसर आ गया 2601। ऐसे 52 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 2 = 4, 5 5 = 25 + 2 तो हो जाएगा 27, आंसर आ गया 270। ठीक है, ऐसे बताओ 53 का क्या आएगा। ओके वेरी गुड सर, 53 3 3 = 9, 25 5 = 25 + 3 = 28, आंसर आ गया 2809। ओके 54 का बताओ क्या आएगा। ओके वेरी गुड, 54 का क्या आएगा, 4 4 = 16, 5 5 = 25 + 4 = 29। ओके वेरी गुड, 55 स्क्वायर। ओके वेरी गुड राइट आंसर। फाइव फाइव या 25 + 5 = 30। ओके 56 स्क्वायर। ओके वेरी गुड, 6 6 = 36, 25 + 6 = 31 तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 3 6। ओके नेक्स्ट 57 का स्क्वायर।
नेक्स्ट 57। ओके वेरी गुड। 7 7 49, 5 5 25 +7 32, आंसर आ गया 3 2 4 9। नेक्स्ट 58 स्क्वायर। ओके वेरी गुड विनीत सर, राइट आंसर 8 8 64, 5 5 25 +8 33। ओके सस्वी राइट आंसर। नेक्स्ट 59 स्क्वायर। ओके वेरी गुड विनीत सर, राइट आंसर सस्वी राइट आंसर 9 9 81, 5 5 25 +9 34। तो ये आपने किए 51 से 60 तक। नेक्स्ट करते हैं 41 टू 50 तक स्क्वायर। ठीक है देखो, सबसे पहले अगर आपको 41 का स्क्वायर निकालना है तो आपने देखना है कि ये नंबर 50 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 9 कम है, 41 50 से 9 कम है, इस 9 का स्क्वायर लिख देना, इस 9 का स्क्वायर लिख देना 81, और उसके बाद एक मैजिक नंबर लेना 25, और 25 में से 9 माइनस कर देना, तो आंसर आ जाएगा 1681। ओके यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो 25 में से जो भी नंबर जितना कम होगा वो माइनस करके लिखेंगे, और यहाँ पे उस नंबर का स्क्वायर लिखेंगे। ओके जैसे 42 का करते हैं, 42 50 से कितना कम है। आप बोलोगे सर 8 कम है, तो इस 8 नंबर को यहाँ लिख देना स्क्वायर करके, 8 8 64, और 25 में से 8 माइनस कर देना, 25 में से 8 माइनस करोगे 17 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1764। नेक्स्ट करो 43 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड सक्सेसफुल। तो 43 50 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। अब 25 में से 7 माइनस करके लिख देंगे, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ओके वेरी गुड विनीत सर। नेक्स्ट करो 44 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड, वेरी गुड विनीत सर। 44 कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36, 25 में से 6 माइनस करके यहाँ लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 1936। ओके सर इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट करो 45 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड। तो 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। अब 25 में से ये 5 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 20 25। ओके वेरी गुड शास्त्री। नेक्स्ट करो 46 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड प्लीज, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो 46 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना कम है, 50 से 4, 4 4 16, 25 में से 4 माइनस कर दो, 21। नेक्स्ट करते हैं 47 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड प्लीज सर। कितना कम है, 50 से 3। ओके वेरी गुड सर, 3 3 9, 25 में से 3 माइनस कर दो, 22, आंसर आ गया 2209। नेक्स्ट करो 48 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड सर, राइट आंसर। ओके सर इसकी राइट आंसर। चलो तो 48 कितना हो जाएगा, कितना कम है, 2 कम है 50 से, 2 2 4, अभी जीरो लगाएंगे क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर आ रहा था, और 25 में से 2 माइनस करके यहाँ लिख देंगे 23।
उसके बाद आप लिखेंगे 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड, टीचर सक्सेसफुल, वेरी गुड। तो कितना कम है? एक कम है, एक का स्क्वायर 1, 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 24। और 50 का तो स्क्वायर आपको पता ही है, पहले 25 लिखेंगे और पीछे 2 जीरो लगा देंगे। चलो अब आप हेडिंग डालो स्क्वायर 91 to 50, 91 to 100। नाइनटी वन टू हंड्रेड सही देखो 91 का स्क्वायर लिखना है। तो पहले जैसे यहाँ पे देख रहे थे 50 से कम, यहाँ पे देखना 100 से कम। 91 100 से कितना कम है? आप कहेंगे सर 9 कम, तो 9 का स्क्वायर लिख देना 81। अब 50 से माइनस नहीं करना, अभी इसी नंबर से माइनस करना है। 91 से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 82। तो आंसर आ गया 82 81। जैसे 92 का स्क्वायर आपको लिखना हो तो 92 100 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिख देना 64। उसके बाद इसको 92 में से 8 माइनस कर देना, 92 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 84। तो आंसर आ गया 84 64। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो बताओ 93 का स्क्वायर कितना आएगा? ओके वेरी गुड, राइट आंसर विनीत सक्सेसफुल, राइट आंसर। देखो कितना कम है? 7, 7 का स्क्वायर 49, 93 माइनस 7 तो कितना बचेगा? 86। नेक्स्ट करते हैं, एटी 94 स्क्वायर। ओके ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड विनीत सक्सेसफुल, वेरी गुड। 94 कितना कम है? 6, 6 का स्क्वायर 36, 94 माइनस 6 तो आ जाएगा 88। चलो नेक्स्ट करते हैं 95 स्क्वायर। ओके वेरी गुड मीन सर, वेरी गुड सर। 95 कितना कम है 100 से? 5, 5 का स्क्वायर 25, 95 माइनस 5 90, आंसर आ गया 90 25। नेक्स्ट करते हैं 96 स्क्वायर। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर। कितना कम है? 4 कम है, 4 4 16, 96 माइनस 4 92। ओके चलो करते हैं 97। नाइनटी सेवन स्क्वायर, ओके वेरी गुड भाई। कितना कम है? 3, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो अपने से 0 लगा लें क्योंकि 2 डिजिट का नंबर करना है। 97 माइनस 3 94। ओके नेक्स्ट करते हैं 97। नाइनटी एट, ओके वेरी गुड। 2 कम है, 92 माइनस 8 96। लास्ट करते हैं 99। हंड्रेड से कितना कम है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 99 माइनस 8 98। और 100 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 जीरो आ जाएंगे, 10,000। अब देखो आपको मैं मैजिक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो 82 84 86 88 90 92 94 96 98 10 100, सब में दो दो नंबर बढ़ रहा है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ओके, और लास्ट में 0 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखो मैजिक ट्रिक, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25,
उसके बाद 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 6 5 4 3 2 1 का स्क्वायर, लास्ट का 0 का स्क्वायर, है ना, अच्छी मैजिक ट्रिक। उसके बाद देखो 26 27 28 29 30 31 32 33 34, उसके बाद 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का। सही है, ऐसे तो इस तरह से हम ये आपको देखो अब तक कितने स्क्वायर याद हो गए, आपको अब तक 50 स्क्वायर याद हो चुके हैं, है ना, आपको अब तक 50 स्क्वायर याद हो चुके हैं और टाइम हुआ केवल 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर आपको 50 स्क्वायर याद हो चुके हैं। अब बाकी के स्क्वायर कैसे करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वायर की जनरल मेथड। जनरल मेथड जैसे आपको 21 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये जो पहला नंबर है ना इसका स्क्वायर करके लिखोगे 2 का स्क्वायर 4, फिर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे, 2 बन जा 2, मल्टीप्लाई करके लिख लिए, और फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 1 बन जा 1, और बीच में ये दो नंबर है ना इसको सेम लिखेंगे, तो आंसर आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, इनको ऐड करके लिख देंगे। समझ लगा, देखो एक बार बताता हूँ। 32 का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, बीच वाले नंबर को सेम लिखेंगे और ऐड कर देंगे 6 6 12, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 32 का स्क्वायर आ गया 1024। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 22 का स्क्वायर कितना आएगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड सर, सो देख 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई 4, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर 4, बीच वाला नंबर सेम लिखेंगे और ऐड कर देंगे 484। चल नेक्स्ट बताओ 23 का स्क्वायर। ओके, बहुत बढ़िया सैस्वी, ओके बहुत बढ़िया बनी सर। 2 का स्क्वायर 4, दोनों का मल्टीप्लाई 6, 3 का स्क्वायर 9, बीच वाले नंबर को सेम लिखेंगे, ऐड करेंगे 9 6 प्लस 6 12, 1 कैरी हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। चलो अब आप बताओ 92 का स्क्वायर। ओके ओके वेरी गुड। देखो 9 का स्क्वायर 81, दोनों का मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, और 2 का स्क्वायर 4, और बीच वाला नंबर सेम लिख लेंगे, अब इन्हें ऐड करेंगे 4 18 18 कितना हो जाएगा 36, 36 का केवल 6 लिखेंगे और 3 को यहाँ कैरी कर देंगे, 81 प्लस 3 84। ठीक है, अब आप करो 72 का स्क्वायर। ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड। 7 का स्क्वायर 49, दोनों का मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 2 का स्क्वायर 4, बीच में नंबर 7 लिखेंगे और ये 40 14 28 8 लिखेंगे और 2 को कैरी कर देंगे, 5 1 8 2। ठीक है, अब अगर मान लो 3 डिजिट का नंबर आ जाए जैसे 102 का स्क्वायर, तो इन दोनों नंबरों को एक मान लेना, ठीक है, और इसको अलग दो नंबर बना लेना, तो पहले इनको करेंगे 10 का स्क्वायर 100,
दोनों का मल्टीप्लाई 20, फिर 2 का स्क्वायर 4, इसको सेम लिखेंगे और ऐड कर देंगे, 4 20 20 40, और यहाँ पे 4 कैरी कर देंगे, आ जाएगा 104 04, ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट करो 105 का स्क्वायर, ठीक ओके वेरी गुड, नहीं सर राइट आंसर, वेरी गुड। तो पहले 10 का स्क्वायर 100 और 10 into 5 50, 5 का स्क्वायर 25, बीच वाला नंबर सेम लिख के ऐड कर देंगे, 25 का लिखेंगे 5 और 2 को आगे कैरी कर देंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 50 50 100 1 02, 2 लिखेंगे और 10 फिर कैरी कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 110, तो ये आपका आंसर आ गया 110 25। अब अगर मान लो 4 डिजिट का नंबर हो 1021, तो आप इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, अब आराम से कर लेना, ठीक है, पर इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 डिजिट की। नेक्स्ट हम करते हैं स्क्वायर रूट, हेडिंग डालो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे 12 का स्क्वायर है 144, और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 144, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, स्क्वायर जो नंबर होता है उसका उल्टा स्क्वायर रूट होता है 12, जैसे 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ठीक है। अब देखो आपने 5th में पढ़ा होगा स्कूल में कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो एक बार मैं आपको बताता हूँ, जैसे 324 है तो इसके हम फैक्टर करते हैं, पहले आएगा 16 2, फिर करेंगे 8 1, अब 3 से कटिंग करेंगे 27, उसके बाद फिर से कटिंग करेंगे 9, उसके बाद फिर से कटिंग करेंगे 3, और फिर से कटिंग करेंगे 1, अब 2 2 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर सेकेंड पेयर 3 का और फिर 3 का पेयर, तो आंसर आ गया 3 3 9 2 18, तो देखो 18 का स्क्वायर क्या था 324, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होगा 324 का 18, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैदिक मैथ से करेंगे और हमारा आंसर सिर्फ एक लाइन में ही आएगा, इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं है। चलो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 10 तक के स्क्वायर की, तो हम लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो सिर्फ आप यूनिट डिजिट पर फोकस करना, सिर्फ आप यूनिट डिजिट पर फोकस करना, वन के केस में यूनिट डिजिट क्या है 1, 2 के केस में क्या है 4, 3 के केस में क्या है यूनिट डिजिट 9, 4 के केस में यूनिट डिजिट है 4 6, 5 के केस में यूनिट डिजिट है 5, 6 के केस में फिर से यूनिट 6 है, 7 के केस में यूनिट डिजिट 9 है, 8 के केस में यूनिट डिजिट 4 है, और 9 के केस में यूनिट डिजिट 1 है, और 0 के केस में 0 है, तो ये हमारी मैजिक ट्रिक है जिससे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब आप एक चीज देखो, किसी भी स्क्वायर के एंड में कहीं भी आपको 2 3 7 8 नहीं मिलेगा, केवल 1 4 9 6 5 0 मिलेगा बस, तो आप एक लाइन लिख लो, ए नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर,
अगर किसी भी नंबर के पीछे 2, 3, 7, 8 आता है तो वो कभी भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, केवल वही नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे जिनके एंड में 1, 4, 9, 6, 5, 0 आता हो। ठीक है, अब देखो कैसे करना। इसके लिए आपको एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, वो भी आप लिख लो। वो क्या है, देखो इनके पीछे हम बस 0 0 लगा देंगे। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 2 2 जा 4 0 लगा दिए। 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400। ठीक है, आगे जब भी जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। अब देखो जैसे कि आपको बताना हो 3249 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो देखो ना, अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपके एंड में क्या है, 9। अब 9 है तो आपने सीधे इस वाली लाइन में आ जाना है। 9 है तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा, 3 और 7, आपको यूनिट डिजिट मिल गया। अब 10th डिजिट और चाहिए आंसर के लिए, तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 3249, ये देखना है किसके बीच में आएगा। अब देखो 3249 2500 से 3600 के बीच में आएगा, इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो 56 से 60 के बीच में होगा। 56 से 60 के बीच में कौन कौन सी काउंटिंग आती है, जिनके पीछे 3 हो और 7 हो, या तो आएगा 53 या फिर आएगा 57। ठीक है, अब आपने ये देखना है 3249 किसके ज्यादा पास है, 2500 के या 3600 के। तो आपको पता है 3200 3600 के ज्यादा पास है, बड़े वाले नंबर के पास है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो आंसर आ गया 57। ठीक है, एक और मैं बताता हूँ, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। टू एट जीरो नाइन, अब देखो 9 है तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 9 के केस में आंसर क्या आएगा, 3 और 7। अब 2809 देखेंगे किसके बीच में आता है, तो वो 2500 से 3600 के बीच में आता है। ठीक है, अब इनके बीच में आता है तो आंसर इस वाले रो से मिलेगा, 50 और 60 के बीच में आएगा डिजिट, आंसर क्या होगा, 53 या 57। अब 2809 किसके ज्यादा पास है, 2809 2500 के ज्यादा पास है, 3600 से दूर है। अगर छोटे नंबर के ज्यादा पास है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फिर हम साथ साथ करेंगे। ठीक अब आप बताओ 289 किसका आंसर है। अब देखो 9 है तो एंड में क्या आ जाएगा, 3 और 7। अब 289 किसके बीच में आएगा, 100 और 400 के बीच में। 100 और 400 के बीच में तो आंसर क्या आएगा, 10 और 20 के बीच में। 10 और 20 के बीच में कौन सी काउंटिंग होती है, 11 और 13, तो आंसर या तो 13 होगा या 17। 289 किसके ज्यादा पास है, 400 के, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि वो 400 बड़े वाले नंबर के पास है। ठीक है, चलो अब बताओ 529 का आंसर क्या आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो 9 है तो क्या आएगा, 3 और 7। अब 529 किसके बीच में आएगा,
400 से लेकर 900 के बीच में, इसका मतलब आंसर आएगा 20 और 30 के बीच में। 20 और 30 के बीच में काउंटिंग क्या आती है, 23 और 27। अब आपने देखना है 529 किसके ज्यादा पास है, 529 400 के ज्यादा पास है, छोटे नंबर के ज्यादा पास है तो छोटा वाला आंसर होगा 23। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, 1089। ओके वेरी गुड बनीचर। अब देखो 9 है तो क्या आएगा, 3 और 7 आएगा क्योंकि पीछे 9 है। अब 1089 किसके बीच में आएगा, 900 से 1600 के बीच में, तो आंसर 30 या 40 के बीच में होगा, तो आंसर या तो 33 होगा या 37। 1089 900 के ज्यादा पास है, छोटे नंबर के ज्यादा पास है, छोटा वाला आंसर होगा 33। ओके वेरी गुड। चलो अब आप बताओ 324 का आंसर क्या आएगा। ओके वेरी गुड। अब देखो यहाँ से पहले टेबल में जाएंगे और देखेंगे 4 वाले में क्या आएगा आंसर, 4 वाले में क्या आएगा, 2 और 8, तो यहाँ से आएगा 2 और 8। 324 किसके बीच में आएगा, 100 से 400 के बीच में, मतलब आंसर होगा 10 और 20 के बीच में, या तो आंसर 12 हो सकता है या 18। 324 400 के ज्यादा पास है तो बड़े वाले के पास है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, आंसर आ गया 18। नेक्स्ट करते हैं 1444, इसका आंसर बताओ। ओके ओके वेरी गुड राइट आंसर। 4 है तो आंसर क्या आएगा, 2 और 8। 1444 किसके बीच में आएगा, 900 से 1600 के बीच में, तो आंसर होगा 30 और 40 के बीच में। 30 40 के बीच में काउंटिंग कौन सी आती है, 32 और 38। उसके बाद देखो ये 1444 किसके ज्यादा पास है, 1600 के ज्यादा पास है, 1600 के पास है, बड़े नंबर के पास है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं, 2401 इसका आंसर क्या है। ओके ओके अब देखो 1 है तो आंसर या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब 2401 किसके बीच में, 2401 1600 2500 के बीच में आएगा, तो आंसर 40 और 50 के बीच में आएगा। 40 और 50 के बीच में काउंटिंग क्या होती है, 41 और 49। 2401 बड़े नंबर के ज्यादा पास है तो बड़ा वाला आंसर होगा, आंसर आएगा 49। चलो अब आप बताओ 841 इसका आंसर क्या है। ओके वेरी गुड।
चलो 1 और 9 आ जाएगा, 841 किसके बीच में आएगा, 498 के बीच में, तो आंसर या तो 20 हो गया या 29। उसके बाद में ये देखो, नंबर 841 900 के ज्यादा पास है, बड़े नंबर के पास है, तो आंसर 29 आ जाएगा। चलो अब आप बताओ 1296 इसका आंसर क्या है। ओके वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड एसएसबी। 6 है तो आएगा 2, यहाँ पे 6 है ना, तो आएगा 4 और 6 आंसर के यूनिट डिजिट में, 4 और 6। अब 1296 किसके बीच में आएगा, 900 से 1600 के बीच में, तो आंसर 30 और 40 के बीच की काउंटिंग होगी, 34 या 36। 1296 किसके ज्यादा पास है, छोटे वाले नंबर के ज्यादा पास, 9, देखो 900 से कितना दूर है, 900 से ज्यादा दूर है, 1600 के ज्यादा पास है, तो बड़ा बड़े वाले के ज्यादा पास है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, 36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 3136। ओके वेरी गुड, राइट आंसर मिनिस्टर, राइट आंसर 6 है तो आएगा 4 और 6, 3136, ये आपका 2500 3600 के बीच में होगा, तो आंसर 54 56 आएगा। वेरी गुड सैसरी, ये 3136 3600 के ज्यादा पास है, तो आंसर बड़ा वाला नंबर हो जाएगा 56। चलो एक लास्ट कर लेते हैं 1225, इसका आंसर बताओ क्या है। ओके वेरी गुड नीचा, अब 5 है तो 5 आएगा, इसमें तो कोई और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अब 1225 देख लो किसके बीच में आएगा, 900 से 1600 के बीच में, तो 930 के बीच में क्या आएगी काउंटिंग, 35, दैट्स इट आंसर, इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से देखो आज आपने स्क्वायर भी कर लिए 100 तक, और उसके ऊपर भी आप 100 तक तो आपको कर ही लिए, और उसके ऊपर आप निकाल सकते हो, और आज आपने स्क्वायर रूट भी कर लिया, मतलब आपने आज दोनों चीज कर ली, स्क्वायर भी कर लिया स्क्वायर रूट भी। ठीक है, अब हम करते हैं मैजिक ट्रिक। सबसे पहले आप कोई भी एक 1 से लेके 9 के बीच में कोई नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे सपोज आपने ले लिया 3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब इसमें 6 ऐड कर दो, अब 3 से डिवाइड कर दो, अब जो ओरिजिनल आपने नंबर लिया था वो नंबर इसमें से माइनस कर दो, तो आपका आंसर 2 आ रहा होगा। इसमें मैजिक ट्रिक यही है, आपने अपने फ्रेंड के लिए ना एक स्लिप पे ना पहले से ही नंबर लिख के रख लेना है 2, और उसको बोलना है कि ऐसे ऐसे करना है, और आंसर देखो मैंने यहाँ पहले ही लिख रख के रख लिया है, तो जब वो ना 3 लेगा तब आप उसको बोल देख नंबर चेंज करना है, तो कर भी ले अभी भी कोई बात नहीं, आंसर तेरा और भी कुछ आ सकता है, तो वो बदलेगा, लेकिन आंसर आपका हमेशा ही 2 आएगा, मैजिक ट्रिक में ये है। ओके चल, आप लोगों ने कोई मैजिक ट्रिक बनाई है नहीं,
चलो फिर कल हम करेंगे क्यूब, कल हम क्यूब करेंगे। ओके ओके बाय। बाय सर।